Today, we will start another topic of this chapter. Today, we will study about cooperative organization. Cooperative organizations, okay? There are six types of cooperative organization. आपकी six types की cooperative organization होती है. First होती है consumer cooperative society. Second होती है producer cooperative society. Third होती है आपकी cooperative marketing society. ठीक है, फोर्थ आपकी होती है कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, फिफ्थ आपकी होती है कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी एंड सिक्स्थ होती है आपकी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी. सो फर्स्ट वी विल सी कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी. व्हाट इज कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी? द सोसाइटी ऑफ कंज्यूमर हु ज्वाइंट टुगेदर टू एलिमिनेट द मिडलमैन. ठीक है, ये वो कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है जो मिडलमैन को हटाते हुए जो भी प्रोडक्ट होता है उसे लो रेट में सेल करते हैं, रीजनेबल प्राइस में सेल करते हैं. ठीक है, इनकी बेस्ट चीज़ क्या होती है? डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से यानी फैक्ट्री से परचेस करते हैं. तो जब फैक्ट्री से आप परचेस करोगे तो आप हर चीज़ थोक में बल्क में ले रहे हो. ठीक है, तो उसकी सेलिंग प्राइस भी आपकी कम होगी. ठीक है, अब इसमें जो भी प्रॉफिट आता है वो मैंने आपको अभी पहले ही बताया था, वो डिविडेंड के फॉर्म में बढ़ता है और अगर एक्सेस है तो वो आपकी बोनस के फॉर्म में जाएगा. ठीक है, इसके तीन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो हम अभी यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं. फर्स्ट होता है टू इंश्योर स्टडी सप्लाई ऑफ एसेंशियल गुड्स. ठीक है, ये देखना कि जो ज़रूरी गुड्स हैं उनकी सप्लाई हो रही है कि नहीं. ठीक है, सेकेंड टू सप्लाई द गुड्स एट रिजनेबल प्राइस बाय एलिमिनेटिंग द प्रॉफिट मार्जिन ऑफ मिडलमैन. ठीक है, जो भी प्रोडक्ट है अगर मान लीजिए वो प्रोडक्ट मार्केट में 20 रुपीज़ में मिल रहा है, अब हमने डायरेक्ट उसको कंपनी से परचेस किया है तो डेफिनेटली क्या है, हम उसको 2 या 3 रुपये कम में बेचेंगे और यहाँ पे हम प्रॉफिट भी कमाएंगे, हमारी सेल भी इंक्रीज होगी. ठीक, थर्ड है टू सप्लाई द गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ हाई क्वालिटी. ठीक है, वॉट एवर द गुड्स यू आर सप्लाइंग इन द मार्केट इट शुड हैव अ गुड क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी के आपके प्रोडक्ट होने चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी. ठीक है, अब प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होता है? ये सोसाइटी वो होती है जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स के लिए काम करती है. ठीक है, स्मॉल प्रोड्यूसर्स के लिए काम करती है. हम क्या काम करेंगे स्मॉल प्रोड्यूसर्स के लिए? हम इन्हें मशीनरी प्रोवाइड करेंगे, हाई टेक्नोलॉजी की चीज़ें प्रोवाइड करेंगे. ठीक है, इसके देखिए थोड़ा सा डिटेलिंग मैंने यहाँ पे बताई है. ठीक है, ऐसे बहुत सारे स्मॉल प्रोड्यूसर्स होते हैं जिनके लिए पॉसिबल नहीं होता हैवी मशीनरी परचेज करना. ठीक है, उसके लिए कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन काम करेगी. ठीक है, दो तरह की कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं प्रोड्यूसर की. पहली देख लीजिए, वन विच प्रोवाइड लो मटेरियल इनपुट मशीनरी एक्सेट्रा. ठीक है, कम दाम में आपको रॉ मटेरियल देना, इनपुट्स देना और मशीनरी देना सो दैट द प्रोड्यूसर कैन कॉन्सेंट्रेट ऑन प्रोडक्शन. ठीक है, वो अच्छा काम कर पाए. सेकेंड है द वन विच प्रोवाइड हेल्प टू सेल द गुड्स प्रोड्यूस बाय द प्रोड्यूसर. ठीक है, सेकेंड इसका काम क्या है? जो भी प्रोड्यूसर सामान बना रहा है उसे मार्केट तक सप्लाई करने में हेल्प करना. ठीक, तो ऐसे प्रोड्यूसर्स के हेल्प की जाती है. अब इसके ऑब्जेक्टिव्स देख लीजिए. इसका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है टू इंश्योर द स्टडी सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल इनपुट्स. ठीक है, एट अ रीजनेबल प्राइस. ये पॉइंट हमने पहले भी पढ़ा है, मार्केट में कम रेट में आपको मटेरियल प्रोवाइड करना है. ठीक, सेकेंड टू प्रोवाइड द लेटेस्ट मशीनरी, अभी मैंने आपको बताया, एंड न्यू टेक्नोलॉजी टू द प्रोड्यूसर. स्मॉल प्रोड्यूसर्स को न्यू टेक्नोलॉजी और मशीन्स पहुँचाना. थर्ड, टू इंश्योर द स्मूथ डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल ऑफ गुड्स प्रोडक्शन बाय द मेंबर्स. ठीक है, स्मूथ डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब समझ रहे हो? जो भी स्टॉक बन रहा है वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन से एक शॉप से लेके कंज्यूमर के हाथ तक बहुत आराम से पहुँचना चाहिए. ठीक है, फिर हेल्पिंग द प्रोड्यूसर टू कॉन्सेंट्रेट द अटेंशन ऑन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स. ठीक है, इन सभी हेल्प से क्या होगा, जो भी स्मॉल प्रोड्यूसर है डेफिनेटली वो अपने काम पे ज़्यादा ध्यान देगा और उसकी एफिशिएंसी भी इंक्रीज होगी. ठीक, थर्ड आपका आता है कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी. एस यहाँ पे वर्ड में ही लिखा है मार्केटिंग. ठीक है, मार्केटिंग से मतलब क्या है आपका? पैकेजिंग, वेयर हाउस, ट्रांसपोर्टेशन,
ठीक है, ग्रेडिंग, ये सारा काम करना। तो कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी क्या करती है, ठीक है, इट कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी कंसिस्ट ऑफ स्मॉल प्रोड्यूसर्स हु फाइंड इट डिफिकल्ट टू सेल देयर प्रोडक्ट एट प्रॉफिट। द आउटपुट ऑफ द स्मॉल प्रोड्यूसर्स इज ब्रॉट टुगेदर एंड सोल्ड इन द बेस्ट प्राइस। ठीक है, जो कॉम्पिटिटिव मार्केट है आज की डेट में, जहाँ पे इतना कॉम्पिटिशन्स हो रहा है, ठीक है, वहाँ पे क्या करता है, ये आपके प्रोडक्ट को अच्छे से पैक करेगा, उसको अच्छे से पहुँचाएगा, ठीक है, मार्केट तक आपकी कैसे इंक्रीज करे सेल, ये कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन उस पर फोकस करती है। ठीक है, इसके ऑब्जेक्टिव अगर आप देखोगे तो एक चीज़ याद रखना, इट परफॉर्म द वेरियस मार्केटिंग फंक्शंस, ये बहुत सारे मार्केटिंग के फंक्शंस करता है। ठीक है, पहला इसका होता है, मैं लिख दे रही हूँ, पता चला आप भूल गए, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक, ये वेयर हाउसिंग देगा आपको, गोदाम, ठीक है, गोडाउन्स भी, गोदाम हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में आप उनको गोडाउन्स कहते हैं, गोडाउन्स प्रोवाइड करेगा। ठीक है, पैकिंग में आपकी हेल्प करेगा, पैकेजिंग, ठीक, ये आपका ग्रेडिंग, ग्रेडिंग में हेल्प करेगा, ठीक है, आपको गुड क्वालिटी ग्रेडिंग मिले। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस में भी आपकी हेल्प करेगा, जिससे आपकी सेल्स बढ़ेगी। अब कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी के आप ऑब्जेक्टिव देख लीजिए, इसके ऑब्जेक्टिव है टू इंश्योर अ स्टडी एंड फेवरेबल मार्केट फॉर द आउटपुट ऑफ द मेंबर्स। जो भी आपका प्रोडक्शन है, आउटपुट क्या होता है, आपका प्रोडक्शन होता है, ठीक है, जो भी आपका आउटपुट है उसके लिए एक प्रॉपर मार्केट प्रोवाइड कराना। ठीक है, कराना मतलब से ये नहीं कि वो आपके लिए मार्केट ला देगा, वो सर्च करेगा कि कहाँ आपके लिए कंज्यूमर अवेलेबल है, कहाँ पे एक्चुअली आपके गुड्स की मांग है। ठीक है, सेकंड, टू इंश्योर द बेस्ट प्राइस फॉर द आउटपुट। ठीक है, वो उसका मेन फोकस क्या होता है, कम से कम प्राइस में ऐसे ही में सेल करें जिसमें आपका प्रॉफिट भी कवर हो जाए। ठीक है, थर्ड आपका आता है टू प्रोवाइड द फैसिलिटेट द ट्रांसपोर्टेशन वेयर हाउसिंग पैकेजिंग एक्सटेंड। मैंने पहले बताया आपके गोडाउन, आपके स्टॉक को आपके गोडाउन से एक शॉपकीपर की शॉप तक पहुंचाने का काम करेगा, ट्रांसपोर्टेशन का काम करेगा। ठीक है, वेयर हाउसिंग आपको अपने स्टॉक को रखने की फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा, आपके स्टॉक को, आपके गुड्स को पैक करने का काम करेगा। ठीक है, ये सारे काम करते हैं विच इंडिविजुअल कैन नॉट बी एफोर्डेबल बाय द मेंबर्स, जिन छोटे प्रोड्यूसर्स के द्वारा, स्मॉल प्रोड्यूसर्स के द्वारा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है फोर्थ है कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी। द वर्ड इटसेल्फ से क्रेडिट, ठीक है, उधार, लोन प्रोवाइड करना। ठीक है, सच टाइप ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस व्हाट दे डू, दे अरेंज क्रेडिट एंड लोन फॉर द नीडी पीपल। ठीक है, ये जनरली जो रूरल एरिया में ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनको क्रेडिट, सॉरी, रूरल क्रेडिट कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस कहा जाता है, और अर्बन एरिया में इन्हीं को अर्बन बैंक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसका काम क्या करना है, लोगों को ये हैबिट दिलाना कि आप सेविंग करें। ठीक है, जितने भी फाइनेंशियल असिस्टेंस होते हैं ये सोसाइटी प्रोवाइड करती है। ठीक है, जो भी कैपिटल कंट्रीब्यूट किया जा रहा है इनके मेंबर द्वारा, एंड डिपॉजिट भी किया जा रहा है मेंबर द्वारा। ठीक है, ये याद रखिएगा, आप ही जमा करोगे अपना पैसे इनमें और आप ही का कंट्रीब्यूशन होगा। इन द टाइम आपको लोन चाहिए कम इंटरेस्ट रेट में, ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटी आपको लोन प्रोवाइड करती है। ठीक है, रूरल बैंक्स, अर्बन बैंक्स, इन नाम से आपने सुना होगा। अब इनके ऑब्जेक्टिव्स हम देख लेते हैं, इसका टू प्रोटेक्ट द मेंबर्स फ्रॉम द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मनी लेंडर। ठीक है, जो बड़े बड़े मनी लेंडर्स होते हैं वो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट में आपको मनी प्रोवाइड करते हैं, तो ये चीज़ें ना हो, लोगों का एक्सप्लॉयटेशन ना हो, इस चीज़ को रोकने के लिए क्या करता है, ये क्रेडिट प्रोवाइड करता है। टू इंश्योर लोन ऑन ईजी टर्म्स एंड लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, मैंने पहले ही बोला है कम ब्याज दर में ये लोन प्रोवाइड करती है, कौन, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी। ठीक है, थर्ड आता है इसका टू डेवलप द हैबिट ऑफ सेविंग अमंग द मेंबर्स। ठीक है, इससे लोगों को ये हैबिट भी पड़ती है कि वो सेविंग स्टार्ट कर देते हैं। ठीक, फिफ्थ, सो नेक्स्ट इज कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी। द नेम इटसेल्फ से कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी। ठीक है, ये जितनी भी सोसाइटीज है फार्मर, स्मॉल फार्मर्स के लिए स्टार्ट की गई है। इसका मेन काम है लोगों को हेल्प करना, जो लार्ज स्केल पे फार्मिंग की जाती है वो सारे बेनिफिट इस कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा स्मॉल फार्मर्स को प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, इसका एक फ़ायदा ये भी होता है कि लोगों को
काफ़ी फैसिलिटी मिल जाती है। द फार्मिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी इज़ ऑल्सो नोन एज एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव, ठीक है, इस नाम से भी जाना जाता है। इसके आप ऑब्जेक्टिव देख लीजिए, फर्स्ट है हेल्पिंग द स्मॉल फार्मर टू गेट द बेनिफिट ऑफ मैकेनाइज्ड फार्मिंग, ठीक है, आपको एक मैकेनाइज्ड फार्मिंग दी जाए या कह लीजिए एक टेक्निक पूरी प्रोवाइड की जाए, उसमें हेल्प करती है। सेकेंड प्रोवाइड इम्प्रूव्ड सीड, आपको अच्छे सीड्स मिले, फर्टिलाइज़र मिले, ठीक है, इरीगेशन फैसिलिटी मिले और मॉडर्न टेक्निक्स का आइडिया लगता है। मॉडर्न टेक्निक समझते हैं, आजकल फार्मिंग भी बहुत चेंज हो चुकी है, ठीक है, मॉडर्न से मॉडर्न तरीके में लोग वर्क कर रहे हैं। तो ये सारी फैसिलिटी कौन प्रोवाइड करेगा? कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजर। कैसे करेगा? आप सोच रहे होंगे कि ऐसे ही कर देगा, नहीं, वो आपको करके दिखाएगा, ठीक है, मशीन प्रोवाइड करेगा तो उसकी ट्रेनिंग देता है प्रॉपर। आप कभी गांव में जाओ, ऐसी बहुत सारी कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस है, वो आपको अगर सीड्स भी दे रही है तो वो आपको उसकी पूरी वैरायटी देगी, आपको उसके इम्पोर्टेंस बताएगी, उसके यूसेज बताएगी। सेम वे में अगर वो आपको हैवी टेक्नोलॉजी वाली मशीन्स दे रही हैं तो उसके यूसेज बताएंगी, ठीक है, कैसे इस्तेमाल करना है। थर्ड आता है प्रोवाइडिंग सोशल एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी टू द पीजेंट्स, ठीक है, आपको एक सोशल इकोनॉमिक सिक्योरिटी भी मिलती है, कहीं ना कहीं आपको फाइनेंशियल सपोर्ट ये ऑर्गेनाइजेशंस करती हैं। लास्ट कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, ठीक है, नाम अपने आप कह रही है, बहुत से लोग होते हैं जिनके सपना है घर होना लेकिन वो अपने लिए घर बना नहीं पा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इट इज़ नॉट ईजी टू मेक फ्लैट्स फॉर देम। तो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी क्या करती है, ये ईजी इंस्टॉलमेंट्स में, ठीक है, जो इसके मेंबर्स हैं उनको फ्लैट सेल करती है, जिसके द्वारा क्या होता है, लोगों को अपना घर प्रोवाइड हो जाता है। इसकी पेमेंट आप कैसे करते हो? इंस्टॉलमेंट में, ठीक है। रेसिडेंस अकोमोडेशन कराना कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का काम होता है। इसका पहला आता है प्रोवाइडिंग रेसिडेंशियल अकोमोडेशन टू दिस मेंबर्स, ठीक है, लोगों को घर प्रोवाइड कराना। सेकेंड हेल्पिंग मेंबर टू द परचेज हाउसेस एट लोअर कॉस्ट, ठीक है, कम कॉस्ट में घर बना के देना। थर्ड प्रोवाइडिंग सिविल इमिटीज सच एज रोड्स पार्क्स एंड स्ट्रीट लाइट्स पार्किंग एक्सेट्रा, ठीक है, ये नहीं कि घर बना के दे दिया और फैसिलिटी नहीं दे रहे, आपको घर के साथ उनको पूरी फैसिलिटी भी प्रोवाइड करनी है। तो ये आपकी 6 कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस थी, याद रखिएगा ये वो पूरी संस्थाएं होती हैं जो एट द एंड सेम मोटिव लेके सोशल वेलफेयर करती हैं, ठीक है, आप एक ही इंटरेस्ट को लेके काम लोगे। ये चीज़ अब इनके ये पॉइंट समझाने के बाद आपको मेरी ये बात समझ में आ रही होगी। देखिए, फर्स्ट कंज्यूमर कोऑपरेटिव थी, कोऑपरेटिव ये कंज्यूमर के लिए काम कर रही थी। सेकेंड प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव थी, ये प्रोड्यूसर्स के लिए काम कर रही थी। थर्ड कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी थी, तो ये मार्केटिंग के लिए काम कर रही थी। फोर्थ कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी थी, तो ये लोन प्रोवाइड करने के लिए काम कर रही थी। फिफ्थ कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी थी, ये किसानों के लिए काम कर रही थी। एंड सिक्स कॉस्ट कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, ठीक है, नाम अपने आप कह रही है, बहुत से लोग होते हैं जिनके सपना है घर होना लेकिन वो अपने लिए घर बना नहीं पा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इट इज़ नॉट ईजी टू मेक फ्लैट्स फॉर देम। तो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी क्या करती है, ये ईजी इंस्टॉलमेंट्स में, ठीक है, जो इसके मेंबर्स हैं उनको फ्लैट सेल करती है, जिसके द्वारा क्या होता है, लोगों को अपना घर प्रोवाइड हो जाता है। इसकी पेमेंट आप कैसे करते हो? इंस्टॉलमेंट में, ठीक है। रेसिडेंस अकोमोडेशन कराना कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का काम होता है। इसका पहला आता है प्रोवाइडिंग रेसिडेंशियल अकोमोडेशन टू दिस मेंबर्स, ठीक है, लोगों को घर प्रोवाइड कराना। सेकेंड हेल्पिंग मेंबर टू द परचेज हाउसेस एट लोअर कॉस्ट, ठीक है, कम कॉस्ट में घर बना के देना। थर्ड प्रोवाइडिंग सिविल इमिटीज सच एज रोड्स पार्क्स एंड स्ट्रीट लाइट्स पार्किंग एक्सेट्रा, ठीक है, ये नहीं कि घर बना के दे दिया और फैसिलिटी नहीं दे रहे, आपको घर के साथ उनको पूरी फैसिलिटी भी प्रोवाइड करनी है। तो ये आपकी 6 कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस थी, याद रखिएगा ये वो पूरी संस्थाएं होती हैं जो एट द एंड सेम मोटिव लेके सोशल वेलफेयर करती हैं, ठीक है, आप एक ही इंटरेस्ट को लेके काम लोगे। ये चीज़ अब इनके ये पॉइंट समझाने के बाद आपको मेरी ये बात समझ में आ रही होगी। देखिए, फर्स्ट कंज्यूमर कोऑपरेटिव थी, कोऑपरेटिव ये कंज्यूमर के लिए काम कर रही थी। सेकेंड प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव थी, ये प्रोड्यूसर्स के लिए काम कर रही थी। थर्ड कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी थी, तो ये मार्केटिंग के लिए काम कर रही थी। फोर्थ कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी थी, तो ये लोन प्रोवाइड करने के लिए काम कर रही थी। फिफ्थ कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी थी, ये किसानों के लिए काम कर रही थी। एंड सिक्स कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी थी, तो ये हाउस फ्लैट्स प्रोवाइड करने के लिए कर रही थी।
मच फ्रेंड्स, आपने मेरा ये वीडियो देखा, प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा थर्ड चैप्टर पे बनेगा। अगर आपको कोई भी डिटेल हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर लाइक्स। नमस्कार।